बता दो भाई उसके बाद। बोलो कहाँ थी लास्ट क्लास में? सर एजी पे हो गई थी। उसके अलावा सीरीज पे आ गए थे? सीरीज करनी है, आज पूरी सीरीज खत्म करके हटेंगे आज क्लास। सीरीज में क्या कर रहा था लास्ट क्वेश्चन? वही वाला था क्या हमारा फर्स्ट 12 टर्म्स वाला जो क्वेश्चन तो कर रहा था, कर रहा था। उसके अलावा भी कुछ आगे पढ़ रहे जी। क्या तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन? सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ना, राइट? बेटर है फिर? क्या चाहते हो? सर मुझे मालूम नहीं है सर। क्या बोल रहे अशोक सर? मैं कह रहा हूँ सर लास्ट क्लास में तो हमने ईजीपी किया था ना, उससे पहले आप सीरीज करा रहे थे, उसमें था नहीं मैं। नहीं, लास्ट क्लास में हमने ईजीपी के बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व करा था, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द सीरीज वाला। हाँ सर, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ आपने फिर दिया टर्म। हाँ वही वही, जिसमें ऊपर क्यूब्स बन रहे थे, नीचे ऑड नंबर्स बन रहे थे। यस सर। चलिए जी, तो अब बात यहाँ से शुरू करते हैं कि सीरीज में अगर हमारे पास सबसे पहली चीज, मैंने आपसे उस दिन भी ये बोला था, सीरीज को सॉल्व करने का अप्रोच हमारा ये होना चाहिए कि हमें उसकी जनरल टर्म मिल जाए, जनरल टर्म पे सिग्मा लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आएंगी दो प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम कि भाई आप जनरल टर्म नहीं निकाल पाए। हर बार आपको जनरल टर्म ऐसी सीरीज बना के हम देंगे कि जनरल टर्म आप बना लो। कभी ऐसी होंगी सीरीज जिसकी जनरल टर्म आप आसानी से निकाल पा रहे होंगे, तो कभी ऐसी भी होंगी जिसकी जनरल टर्म नहीं निकाल पा रहे होंगे, राइट? तो पहला टारगेट ये होना चाहिए कि भाई जनरल टर्म निकालनी, जनरल टर्म निकाल ले तो आधा काम तो यहाँ खत्म हो जाएगा और आधा काम इसके बाद सिग्मा को सॉल्व करने वाला होगा। तो पहली चीज, तो अगर जनरल टर्म आप ऐसे ना निकाल पा रहे हो तो देखो एक दो तरीके हो रहे हैं हमारे पास जनरल टर्म निकालने के, आप शायद इनसे भी निकाल सकते हो, है ना? हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या होगा कि देखो पहले एक बात समझ लो, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, जाओ पहले समझो बस मैं क्या बोल रहा हूं। देखो मान लो मैंने आपसे कहा इस सीरीज की 15 टर्म्स का सम दे दो, नहीं थी ना देखो तुम्हें जनरल टर्म, हमने तो तुम्हें सीधे सीधे नंबर्स दे रखे हैं, हमने तुम्हें बताया नहीं है जनरल टर्म कैसे बननी है। समझ गए व्हाट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि क्या है इसकी जनरल टर्म, अब अगली टर्म क्या होगी पता नहीं। निकाल सकते हैं पैटर्न से कुछ कि अगली टर्म क्या होगी, पर ये तो नहीं निकाल पाएंगे ना ऐसे तो ऑब्वियसली। मतलब अगर वो मुझसे कहेगा 50 टर्म्स का सम बता दो, तो मैं 50 की 50 टर्म्स लिख के और तब तो उनका सम भी निकालने बैठूंगा, पेपर खत्म हो जाएगा इतनी देर में, तो एक ही घंटा मिलता है मैथ्स को। तो वो तो तरीका नहीं है हमारा करने का कि हम इसकी टर्म्स को पहले ये समझ लें कि कैसे बन रही है, फिर उसके बाद बना भी लें। देखो पहले ये कैसे बन रही है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। इसमें 4 ऐड करा तो ये बनी, फिर 7 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, तो 4, 7, 10, अगली बार कितना ऐड करना चाहिए? मैथ का क्वेश्चन हो गया, अगली बार कितना ऐड करना चाहिए नेक्स्ट टर्म के लिए? पहली बार 4 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया। मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है वैसे तो, मैथ्स का नहीं। अगली बार 13 ऐड करना चाहिए,
भाई एपी में ही तो जोड़ रहे हैं, 4, 7, 10, 13, फिर अगली बार 16, फिर अगली बार 19, अगली बार 22, इस तरीके से जोड़ के सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट द केस कि हमें, दिस इज नॉट द मेथड टू सॉल्व दिस सीरीज, हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आप मेथड डिफरेंस में लिखिए कि हम इस मेथड को पढ़ क्यों रहे हैं, ये मेथड कब काम आएगा। जब आप जनरल टर्म डायरेक्टली ना देख पा रहे हो तो आप ये और एक दो चीजें करिए जो हम आपसे बता रहे हैं, शायद इनसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये कहने की कोशिश है हमारी। सो इसके अंदर लिखिए जरा, समटाइम्स मैं लिख रहा हूं, ये लिखते चलिए, ये मैं हटा रहा हूँ, ये तो बस मैंने आपको एक जनरल चीज दिखाई कि भाई बहुत बार ऐसा होगा कि आप जनरल टर्म नहीं निकाल पा रहे, तो जब जनरल टर्म ही ना निकाल पा रहे हो तो ये करेगा, समटाइम्स द nth टर्म ऑफ अ सीरीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सर मेरा जूम क्रैश हो गया था, तो सर क्या बताया अभी आपने? कुछ नहीं, वही बात बताई कि अगर पहली बात तो हमारी कोशिश होनी चाहिए nth टर्म निकालने की, जनरल टर्म निकालने की, पर बहुत बार ऐसा होगा कि ये नहीं निकल पाएगा, तो हम ये बता रहे हैं कि ये मेथड हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये पहले हम ये लिख रहे हैं जो भी लिख रहे हैं। सर लास्ट लाइन समझा दो। तो
इसमें हम लास्ट लाइन कौन सी, फाइंड द सम ऑफ सीरीज वाली? नहीं नहीं सर, सर यहाँ से वी डिफाइन इट्स nth टर्म. अच्छा, वी डिफाइन इट्स nth टर्म बाय मेथड ऑफ डिफरेंस. अभी पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है. अभी हम यहाँ पे ये बता रहे थे पहली चीज का, जैसे अभी हमने तेरे को सीरीज दिखाई और उसमें हमने तुम्हें डायरेक्टली nth टर्म निकालने का तरीका नहीं दिया, हमने सीरीज को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया, हमने उसमें डायरेक्टली टर्म्स लिखी, और टर्म्स लिखने से हुआ क्या कि हम उसकी अब जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं बना पा रहे कि इसकी कोई भी टर्म को हम कैसे लिखें. अगर हम जनरल टर्म को डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो हमारे पास उसके लिए एक दो मेथड हो रहे हैं. हम ये बता रहे हैं कि आप अब सीरीज को ये चेक करिए कि सीरीज की जो सक्सेसिव टर्म्स हैं, यानी कि जो लगातार टर्म्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस चेक करो. जैसे अभी जो मैंने सीरीज लिखी थी उस तरीके की सीरीज, अगर आपकी सीरीज कोई भी ऐसी है, देखो कोई भी सीरीज मुझे ऐसी ही होगी ना, जस्ट ये बात कर रहे हैं कि मान ले ये हमारी कोई सीरीज है एस, इसकी टर्म्स होंगी टी वन टी टू टी थ्री से लेकर टी एन तक, और आपने इसमें बट आप ये निकाल पा रहे कि टी एन कैसे बनेगी, टी एन को कैसे लिखो. तो आप क्या करिए, आप जाके सीरीज में वापस ये चेक करिए कि जो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस है, यानी कि टी टू माइनस टी वन टी थ्री माइनस टी टू टी फोर माइनस टी थ्री टी फाइव माइनस टी फोर, जो भी ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या ये डिफरेंसेस एपी या जीपी में तो नहीं है. अगर ये डिफरेंसेस एपी या जीपी में है तो हमारे पास तरीका है, हम आपको इसे बता सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना चाहिए. कैसे करेंगे सॉल्व, नाउ लेट्स चेक. पहला, इफ द डिफरेंस इज टी टू माइनस टी वन कॉमा टी थ्री माइनस टी टू कॉमा टी फोर माइनस टी थ्री एंड सो ऑन आर इन एपी, आपने सक्सेसिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाला और वो डिफरेंस आपका एपी में आ रहा, तो आप इसकी nth टर्म को ऐसे लिखिए, देन आप tn को डायरेक्टली लिख सकते हैं, पर tn को लिखने के लिए आपको थोड़ी सी एक दो वैल्यूज देखनी पड़ेगी बस. देन tn इज इक्वल्स टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, आपकी जनरल टर्म कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगी n, ऐसे सारे एक्सप्रेशंस की जिस ऐसे सारे प्रोग्रेशंस की जिसमें टर्म्स का डिफरेंस एपी में आ रहा है. जो मैंने अभी आपको सीरीज दिखाई थी वो वही थी एग्जैक्टली, 1 + 5 + 12 + 22, उसमें देखिएगा सीरीज के टर्म्स का डिफरेंस एपी में आ रहा था, तो उसकी कोई भी जनरल टर्म क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एन होगी. नाउ यू हैव टू फाइंड एबीसी. कैसे फाइंड आउट करें, आपके पास टर्म्स तो दी है टी वन टी टू टी थ्री, आप n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 पुट करिए, तीन वैल्यूज पुट करिए, और आप उनकी हेल्प से ABC फाइंड आउट करिए. मैं दिखाता हूं अभी क्वेश्चन कर लो. फाइंड ABC बाय पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड देन सॉल्व, जैसे भी आप जैसे सॉल्व करते हो, जैसे आपके पास जनरल टर्म आ जाएगी फिर तो आप सिग्मा लगा के सीरीज का सम निकाल सकते हैं. सॉल्व यूजिंग अर्लियर मेथड्स. सर अर्लियर मेथड मतलब, अर्लियर मेथड मतलब सिग्मा, जैसी जनरल टर्म मिले सिग्मा लगा दो उसको. अब एक क्वेश्चन से समझ आ जाएगा.
कल हमने पिछली क्लास में वही क्वेश्चन कराया था, वही था रियल मेथड, बस जैसी हमें जनरल टर्म मिल जाए उस पर सिग्मा लगाएगा पूरी सीरीज का सम आ जाएगा। बताएं इसको, पढ़े आगे। आइए जी, इससे आपको समझ आ जाएगी हम बात क्या कह रहे हैं। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज है हमारे सामने 1 + 5 + 12 + 22 + 35 ... हमें इस सीरीज का सम निकालना था। हमने कहा भाई जनरल टर्म दे दे, मैं सम निकाल के दे दू, राइट। तुमने कहा यार जनरल टर्म कैसे निकालें, यही तो बात समझ नहीं आ रही, इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे अपना नंबर लिखे हुए हैं। चलो ये अब हमने देखा कि जनरल टर्म तो मैं डायरेक्टली नहीं आ रही समझ। अगर जनरल टर्म समझ नहीं आ रही तो अगला काम मैं ये कर रहूंगा कि मैं मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करूंगा। हाउ डू वी अप्लाई मेथड ऑफ डिफरेंस? मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करने के लिए आप अपनी टर्म्स का डिफरेंस चेक करें। आपने देखा पहली टर्म में 1, सेकंड टर्म में 5, थर्ड टर्म में 12, फोर्थ टर्म में 22, फिफ्थ टर्म में 35 एंड सो ऑन बढ़ती जा रही है। जैसे आपने सीरीज देखी, आपको सबसे पहली चीज चेक ये करना चाहिए कि इनके सक्सेसिव टर्म्स के बीच में सम वो डिफरेंस क्या है। तो 1 + 5 + 12 + 22 + 35 मेरे को ये निकालने का है। मैंने इनके बीच में डिफरेंस चेक करना शुरू करा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, फिर अगला 10, फिर अगला 13 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास बनेगा एपी में आ रहा है इनका डिफरेंस। अगर आपके टर्म्स के बीच का डिफरेंस एपी में आ रहा है तो हमने आपसे कहा कि आप अपनी जनरल टर्म को ऐसे पुट कर सकते हैं। तो अगर आप जनरल टर्म को ऐसे पुट कर सकते हैं तो अब नाउ पुट, आपको फाइंड आउट करना है एबीसी। हाउ डू यू फाइंड आउट एबीसी इज पुट एन की वैल्यूज। तो सर इन क्वेश्चंस में हमें जनरली 3 तो देंगे ना मिनिमम, तीन टर्म्स, हाँ सर चार देंगे मिनिमम, तीन डिफरेंस निकालेगा ना, तो तीन डिफरेंस ही तो पता चलेगा एपीए के जीपी। हाँ यस, तो एन की वैल्यू 1 रखा तो बना टी वन। टी वन की वैल्यू क्या आई? ए प्लस बी प्लस सी। टी वन बोले तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म सीरीज की 1। ये सीरीज हमेशा ऐसी बन रही होगी ए प्लस बी प्लस सी। पहला इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी बन रहा होगा, दूसरा इक्वेशन हमेशा यही बन रहा होगा, फिक्स है। इधर वाली साइड चेंज हो सकती है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। जब टी टू रखूंगा तो ये बनेगा 4a प्लस 2b प्लस सी, सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज विच इज 5। जब n की वैल्यू 3 रखूंगा तो बनेगा मेरे पास टी थ्री, जो कि हर बार 9a प्लस 3b प्लस सी ही बनेगा। इधर वाली वैल्यू बदल सकती है। मुझे क्या करना है, मुझे तीनों इक्वेशंस को, मैंने तीन इक्वेशन इसलिए बनाई क्योंकि तीन अननोन थे, जितने इक्वेशन उतने ही अननोन होने चाहिए तभी सॉल्व कर पाएंगे। हर बार यही मेथड करना है जो मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम पैटर्न है सीरीज का। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अच्छा हमें ये भी चेक कर, अगर हमें डायरेक्ट जनरल टर्म ना दिखाई दे रही हो तो हम टर्म्स का डिफरेंस भी निकाल कर चेक करेंगे, क्या पता उससे हमारे उससे हमें पता चल जाए। मेथड ऑफ डिफरेंस ये कहता है। तो अब आप सेकेंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो बनेगा 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 4। थर्ड में से सेकेंड को माइनस करेंगे तो बनेगा आपके पास 6a प्लस b इज इक्वल्स टू 7। ये भी सेम है इक्वेशन, हर बार ये बनेंगे, आप दोनों को घटाओगे यही आएगा, बस इधर वाली चीजें चेंज हो रही है। तो ये कह रहा इससे क्या करें जी, a निकल गया सीधा, इसमें से इसको माइनस करोगे 3a इज इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू 1, ए वन आया, बी निकाल ले यहां से, बी बी 1, ए 1 बी 1 निकाल ले पहले वाली इक्वेशन से, ए प्लस बी प्लस सी से, सी की वैल्यू कितनी, -1 -1। क्या बोल रहे दिव्यांशु, बोल सर
नाइन ए में से फोर ए घटाएंगे तो फाइव ए आएगा ना। बिल्कुल फाइव ए आएगा यार, मेरी गलती। इससे तो काफी चीजें बदल गई। क्यों बदल तो गई यार, चलो कोई बात नहीं। तो ए की वैल्यू आई यहां से 2a = 3, यानी कि a आया 3 by 2, a 3 by 2 तो 9 by 2, b की वैल्यू माइनस हाफ, c की वैल्यू 0, ये बनेगी। आया 3 by 2, b आया माइनस हाफ, c आया 0, यानी कि अब आपके पास सबकी जनरल टर्म आ गई। तो आपने कहा इट इंप्लाइज दैट tn जो बनेगा वो बनेगा कुछ 3 by 2 n स्क्वायर माइनस वन बाई टू इंटू एन, ये हमारे पास टी एन बना। आपको क्या चाहिए? एस एन चाहिए। कैसे मिलेगा एस एन? एस एन मिलेगा अगर हम टी एन पे सिग्मा लगा दें या टी आर पे सिग्मा लगा दें फॉर दैट मैटर। अब जैसे अगर टी आर लिखो यार, मैं तो टी आर ही लिखना पसंद करता हूँ इसको, सॉरी, और फिर आर की वैल्यू को वन से लेके एन तक ले जाता हूँ। आपने अगर लिख भी लिया कोई बात नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कि मैं अच्छा से लगता हूँ। अब आप एस एन कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे एस एन जी सिग्मा टी आर होता है आर की वैल्यू वन से लेके एन, ये है अर्लियर मेथड। यस, अब हमने टी आर पे सिग्मा लगाया, टी आर हमारे पास है, सिग्मा लगाएंगे, अब पुराना हो गया क्वेश्चन, मतलब बस हमें हमारा मुद्दा यहीं तक था कि जनरल टर्म कैसे निकाले। जनरल टर्म के लिए भाई तू यही हम बता रहे हैं, जनरल टर्म तू कभी ऐसे भी निकाल सकता है, हमेशा नहीं वर्कआउट करेगा, बट अगर ऐसा हो रहा है तो वर्कआउट जरूर करेगा। ये ऐसे ही निकलती है इसकी जनरल टर्म। ये कितना आ जाएगा भाई? 3 by 2 r square वाले का समझ जाएगा n, n plus 1, 2n plus 1, और सिंप्लीफाई करके देंगे आंसर। मैं छोड़ दूंगा इसे ही, बट सिंप्लीफाई करके देंगे हम इसको आगे आंसर। इसका आंसर बनेगा n, n plus 1 by 2। सर ये कैसे किया आपने? क्या सर सिग्मा का सॉल्व? ये सीरीज है हमारी, चार स्पेशल सीरीज, ये तुमने स्कूल में भी पढ़ी होगी। नहीं सर, ये सिग्मा आर स्क्वायर। तो ये चार सीरीज है, तुमने क्लास नहीं देखी विषय पुरानी? मैंने सीरीज जिसमें स्टार्ट किया था। नहीं सर अभी। तो मैंने बताया था कि ये चार स्पेशल सीरीज है, तो ये हमारे पास चार सम है। पहले एन नेचुरल नंबर्स का सम, ये तो तुमने 10th क्लास में भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1 से लेके n तक का सम। फिर पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, फिर पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम, और फिर पहले n ऑड नंबर्स का सम। याद करिए इसको, समझिए सब्जियों में आलू है हर जगह बल जाएंगी, ये याद होनी चाहिए हमें बिल्कुल, इतनी यूज होगी देख। और इस पर पिछली क्लास में भी हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके थे, मतलब जिसमें हमने सीरीज स्टार्ट कर दी थी। तो ये चारों सीरीज तो हमें याद ही रहनी है, हमें रखनी है, मतलब याद, ये फॉर्मूले हैं ऐसे मान लो इस सीरीज को पढ़ने के लिए। इन दोनों का सम यूजिंग एपी निकाल सकता है, ये तो एपी है फर्स्ट और फोर्थ। सेकंड और थर्ड का सम मैं निकलवाऊंगा अभी और आगे चलते हुए, थोड़ा सा बता दूंगा। वैसे कैसे निकाला ये मैटर नहीं करता, पर मैटर ये बहुत करता है कि हमें ये याद होनी चाहिए, मतलब ये इतनी ज्यादा यूज है।
आगे बढ़े जी, आपकी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज पूछ लीजिए। ओके जी, हटा दे। तो अगर आपका डिफरेंस एपी में आ रहा है टर्म्स के बीच का डिफरेंस, तो आप अपनी जनरल टर्म को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एन मान लीजिए, एबीसी की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू पुट करिए, आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म दी हुई है, उसकी हेल्प से आप एबीसी निकाल लीजिए। एबीसी निकालने का प्रोसेस बहुत ही बोरिंग है, वो हर बार ऐसे ही चलेगा। मतलब उसकी इक्वेशन भी याद कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, फोर ए प्लस टू बी प्लस सी, नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी। तो पहले दोनों को घटाएंगे तो बचेगा थ्री ए प्लस बी, और अगली दोनों को घटाएंगे तो बचेगा कुछ जो भी फाइव ए प्लस बी। तो फिक्स प्रोसेस है। सेकेंड, अब अगर आपका डिफरेंस जीपी में आ रहा है, ये द डिफरेंस इज टी टू माइनस टी वन कॉमा टी थ्री माइनस टी टू कॉमा टी फोर माइनस टी थ्री डैश 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 एटसेट्रा आर इन जीपी, देन आप जनरल टर्म इस तरीके से मानेंगे, ए आर की पावर एन माइनस वन प्लस आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो आर। आपका जो डिफरेंस अभी आपने देखा, ये जो डिफरेंस आ रहा था एपी में आ रहा था, आप मान लो ये डिफरेंस जीपी में आता है, जीपी में आता है तो उसका कुछ ना कुछ आर भी रहा होगा। तो आप अपनी nth टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं, देन tn या tr इज इक्वल्स टू ओ, अब r यहां पे दो हो गए ना, तो tk लिख दे रहा हूं अपनी जनरल टर्म को। जनरल टर्म को किसी भी से रिप्लेस वो कर दो यार, सिग्निफाई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ar की पावर k माइनस वन प्लस bk प्लस c, फाइंड आउट करो abc। वैसे ही जैसे अभी आप करके आए, के की वैल्यू पुट करते हुए, और फिर अर्लियर मेथड से आप सीख चुके हैं, उससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बात याद होनी चाहिए जैसे पिछले वाले में। सेम ही क्वेश्चन है पिछले वाला, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, मतलब पैटर्न वही है, बस आपको जनरल टर्म इस बार बदलनी पड़ेगी। जनरल टर्म लिखिए अपनी और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज ट्राई करोगे या मैं कराऊं पहला क्वेश्चन? सर कोशिश कर लेते हैं। पहली चीज कोशिश करनी है तो कैसे अप्रोच करना है? सबसे पहले मुझे बता, क्या जनरल टर्म समझ आ रही है कुछ ऐसे खुद से देखने पर सीरीज को? ऑब्वियसली इसका आंसर नहीं है, नहीं आ रही सर। मतलब सॉल्व करना कैसे वो समझ आ रही है, डायरेक्ट जनरल टर्म? नहीं नहीं, डायरेक्ट जनरल टर्म लिखे कैसे भाई? देख जनरल टर्म तो लिखे दिखानी पड़ेगी ना, मतलब लिख के तभी तो सिग्मा लगाएंगे उस पे, तो वो तो हम नहीं लिख पाएंगे अभी ऐसे तो। हां सर, जैसे हमने जो वो उस दिन वो वाला क्वेश्चन करा जिसमें क्यूब्स का सम ऊपर चल रहा था, नीचे और टर्म्स का सम चल रहा था, तो उसका पैटर्न समझ आ रहा था भाई। ऊपर ये तीन टर्म्स, अगर थर्ड टर्म लिखनी है तो ऊपर पहली तीन का क्यूब और नीचे पहले तीन ऑड नंबर्स का सम,
यहाँ पे नहीं पता कुछ भी क्या चल रही है सीरीज, तो डायरेक्टली तो समझ नहीं आ रहा। अब हम अगला काम क्या करें, अब हम इसकी जनरल टर्म निकालने के लिए ये चेक करेंगे क्या ये जो टर्म्स दी गई है इनके बीच का डिफरेंस एपी या जीपी में है। अब ये चेक करो, देवांश यस सर बता मेरे को ये डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, पहली दो टर्म्स का डिफरेंस क्या है? सर 2 8 सर 6 18 आ रहा है फिर। यस सर फिर अगला भी निकाल सकते हैं 54 पर। देख मैं तो यहीं पे क्लियर हो गया क्या इनका डिफरेंस टर्म्स का डिफरेंस एपी या जीपी में से कुछ बना रहा है? जीपी सर, जीपी बना रहा है। और जीपी का आर क्या है? सर 3। तो क्या इसके जनरल टर्म बताओगे मुझे? a into 3 की पावर k माइनस 1 प्लस बी के प्लस सी। अब मैं एबीसी कैसे निकालू? 1 2 3 पुट करके के निकालू, उसके बाद फिर उस पर सिग्मा लगा के सीरीज का सम निकालिए।
सर मेरा तो A1 आ रहा है, B0 आ रहा है और C2 आ रहा है। एक सेकंड, A1 आ रहा है, B0 आ रहा है और C C2 आ रहा है। जब ए और बी तुमने सही निकाले तो सी किस, यस सर। C4 आना चाहिए, C4 आना चाहिए ना, और सर बी कितना आना फिर फर्स्ट चाहिए टर्म 5 है। बी और ए सही है, मैं कह रहा हूँ ए और बी तुमने सही निकाले, सी कैसे गलत निकाल दिया। सर? अच्छा, मैंने सी को दूसरी क्वेश्चन में डाल दिया, ए और बी को अलग में डाला, सी को अलग सर में बस डाला। आने वाला है फाइनल आंसर, 2 मिनट और भी। हाँ बिल्कुल मिले, मैंने कहा था तुमसे कि भाई खाना वाना खा लेना, मेरी क्लास बहुत देर से चल रही है, मैं भी यार तुम्हारे साथ साथ खाना ही खा लूँ, इसलिए मैं टाइम तो दूंगा तुझे अभी 5 मिनट 10 मिनट और जो चल रहे हैं ना, ये बीच बीच में टाइम देता रहूंगा, मेरे को भी चाहिए ना। उसके बाद तू खा या मत खा, फिर तेरे को सफिशियंट उतना टाइम मिलेगा जितना क्वेश्चन के लिए मिलना चाहिए। ऋषिक थोड़ा गलत है, क्लोज है बट गलत है। किस कहाँ पे गलती है ये बता दो। ये इसके साथ और भी टर्म आ रही होगी यार एन वाली, सर एन तो खत्म हो गया ना, सर बी सी दोनों 0 हो गए। दोनों नहीं हुए यार सर, अरे सर बी मैंने जीरो गलत कर दिया हो गया सर, रुको सर, पूरा क्वेश्चन गलत है, मतलब एक पार्ट। था। तो सही निकाल लिए, अब क्या दिक्कत है? सर वो मतलब SN में मैं डाल रहा था तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। सर अच्छा, एंड देवांश, अक्षत और रोशनी, एबीसी नहीं निकले क्या? अच्छा जी, सबसे पहली बात तो मेरी ये समझे थे कि एबीसी निकालने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी है, बस अभी हमने ट्रिपलेट ऑफ लीनियर इक्वेशन बना दिया, घटा घटू कई एलिमिनेशन से सॉल्व होती है ये सब, ऐसी जैसे हमने पिछली बार करी है वही चीज।
एक बार पहले वेरिएबल को एलिमिनेट करो, पहले सी को एलिमिनेट कर दो इक्वेशन की हेल्प से, तीनों से, तीन में से दो दो लेते हुए, फिर ए और बी को एलिमिनेट कर दो। सर एस एन में निकालना मेरे से, कोई बात नहीं, चलो सर मेरा आंसर में फोर एन और ऐड होगा बस, अपॉन टू भी होगा इसका, देखता है। चलिए जी, के की वैल्यू वेल तो मैंने पुट करना शुरू कर, अपॉन टू भी होगा, अपॉन टू भी होगा, वही कह रहा हूँ, अपॉन टू भी होगा, मिस कर दिया। के की वैल्यू मैंने पहले वन रखी, वन रखी तो क्या होगा, क्या होता है, थ्री की पावर जीरो, सर मैंने जीपी वाले टर्म्स रख दिया, पता है इक्वेशन में एबीसी गलत था मेरा, जीपी वाला सर 2618 रख दिया मैंने 5713 के बजाय। अच्छा, तो a इनटू 3 की बात k माइनस 1 प्लस b के प्लस c, k की वैल्यू 1 पुट करते हुए बनता है हमारे पास a प्लस b प्लस c, और फर्स्ट टर्म इसकी 5, k की वैल्यू 2 पुट करी तो ये बना a इंटू 3 की पावर 1, यानी कि 3a प्लस 2b प्लस c, उसकी वैल्यू बनी 7 सेकंड टर्म। बट t की हमारी कोई भी टर्म में k की वैल्यू रखता जाऊंगा तो टर्म्स मिलती जाएंगी, टर्म्स हमें पता ही है, पहली तीन तो पता ही है कम से कम, उन्हीं की हेल्प से a b c तो निकाल ही सकता हूँ। k की वैल्यू 3 पुट करी, 3 पुट करा तो 3 स्क्वायर 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल्स टू 13। इन दोनों को सॉल्व करा तो ये बना 2a प्लस b की वैल्यू 2 आ गई, इन दोनों को सॉल्व करा तो यहां से 6a प्लस b की वैल्यू 6 आ गई। देखिए अगर आप तीन टर्म्स, तीन इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो वन बाय वन ये एलिमिनेशन ही है, ये जो है वन बाय वन एलिमिनेशन ही लगा रहे हैं हम, बस एलिमिनेशन कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं कि पहले C को एलिमिनेट कर रहे हैं, दो इक्वेशन बन गई, अब दो वेरिएबल्स में आ गई, देखो अब इन दोनों में से एक को एलिमिनेट करके एक चीज निकाल दूं, ये तरीका होता है। अगर आपके पास 10 इक्वेशन भी है ना तो 10 में से पहले दो दो के नौ पेयर बनाओ, है ना, उनसे एक एक वेरिएबल एलिमिनेट करते चले जाओ, नौ बनेंगी, नौ नाइन इक्वेशन से नाइन वेरिएबल्स, फिर वहां से आठ बनाओ आठ वेरिएबल्स में, फिर सात, फिर छह, फिर पांच, चार, तीन, दो, एक, इस तरीके से सॉल्व करते जा सकते हैं सब्सिक्वेंटली। तो मैंने सी एलिमिनेट करा पहले दो इक्वेशंस, यहां से अब मैं डायरेक्टली बी एलिमिनेट कर दूंगा तो 4a की वैल्यू आ गई 4, मतलब मैंने नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली को माइनस करा, यानी कि a की वैल्यू आ गई मेरे पास भाई 1, a बनाया मैंने, a 1 इस वाली इक्वेशन में रख दिया, देखो a को 1 रखा तो ये बना 2a प्लस b, मतलब 2 प्लस b इज इक्वल टू 2, क्लियरली b 0 है, ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए था, वहां मेरे पास स्पेस। जैसे ए वन आया इसकी हेल्प से मुझे बी मिल गया, बी है जीरो, ए और बी मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है, सी मिल गया। सबसे पहली बात तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 4 आ गई। अब मुझे जनरल टर्म मिल गई अपनी प्रॉपर, ये है मेरी जनरल टर्म, टी के थ्री की पावर के माइनस 1, b की जगह रखा 0, c की जगह रखा 4, तो ये बन गई, ये भाई मेरी जनरल टर्म tk = 3 की पावर k - 1 + 4। इस पे मैं सिग्मा लगाऊंगा तो मुझे sn मिल जाएगा, हटा दे इसको, ओके चले जी, हमने निकाला इसमें से क्या, हमें टी के मिल गया, थ्री की पावर के माइनस 1 प्लस 4, हमने कहा हमें एसएन चाहिए ना, लगाओ सिग्मा टी के वैल्यू 1 से लेके एन तक, क्या बना,
थ्री की पावर के माइनस वन प्लस फोर, सिग्मा को अलग अलग कर दिया। इसके बाद तो मतलब पुरानी चीजें कर रहे हैं हम सारी। ओके, ये तो एक जीपी है, ध्यान दो प्रोग्राम। के की वैल्यू वन रखोगे, देख लो सीरीज क्या बन रही है। के की वैल्यू वन रखोगे तो थ्री की पावर जीरो बनेगा, यानी कि वन। के की वैल्यू टू रखोगे तो थ्री की पावर वन। के की वैल्यू थ्री रखोगे तो थ्री स्क्वायर। ऐसे चलते चलते थ्री की पावर एन माइनस वन, इन सबका समित है। क्या है जीपी? जीपी की कितनी टर्म्स? एन। जीपी का कॉमन रेशो आर, थ्री। सब फॉर्मूला सम पता है, ए वन है, फर्स्ट टर्म इज वन। थ्री टू द पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन प्लस फोर, कॉन्स्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई कर दो, फोर एन। की वैल्यू आई थ्री की पावर एन माइनस वन अपॉन टू प्लस फोर एन। अब दिव्यांशु एग्जैक्टली मेरे को ये बता प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, जहां मैं सोच रहा हूँ वही देखते हैं कहाँ आ रही थी, बता। ये नहीं रियलाइज कर पा रहा था कि जीपी सर, मैंने इतनी बड़ी वाली बेवकूफी करी था, मतलब मैं बता भी नहीं सकता। मैंने पता क्या करा, जो SN था ना उसमें मैंने सब कुछ सही डाला, और जो R वाली टर्म थी ना R equals to 1, वहाँ पे मैंने 3 की पावर k is to 1 की जगह R की पावर k minus 1 इसको रख के, और मैं सोच रहा हूँ इस R का मैं करूँ क्या। बात समझ आई कैसे करने होंगे क्वेश्चन सॉल्व? दोनों तरीके सीख लिया तुमने, अब मैं आगे क्वेश्चन दूंगा तुम्हें दोनों का फिर से। यस सर। सर इसमें डिफरेंस में कुछ और भी आ सकता है, मतलब एचपी है बस दो ही और कुछ नहीं भाई, सॉरी। चलो ये दोनों सॉल्व करो, एक एक कर भी करना, मैं एक ही बारी में लिख दे रहा हूँ। बताओ फटाफट, वसल
एक मिनट रोशनी, मेथड ऑफ डिफरेंस समझ आया? यस सर। एंड अक्षत एंड देवांश? यस सर, बस मेरा आने वाला है पहले, देवांश एक मिनट। सर पूरा सिंपलीफाई करके बताएं या जो आ रहा है बता दो क्या सर? एन एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस एन एन प्लस वन अपॉन टू प्लस एन। तो सीधा सीधा सीरीज का सम ही बन गया है इसमें, ए की वैल्यू भी वन है, बी की वैल्यू भी वन है, सी की वैल्यू भी वन है, तो सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन प्लस सिग्मा वन ही हो गए, वो इतना आंसर बता दीजिए। वैसे मैं देना सिंपलीफाइड टर्म्स में, मतलब ऑप्शन ही ऐसे मिलेगा, आंसर नहीं होगा। करेक्ट है क्वेश्चन, सॉरी अक्षर वांजी किसका आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का? नहीं 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 अच्छा एक सेकंड, मल्टीप्लाई करने में कुछ मतलब ऐसा ही आंसर, बट थोड़ा सा अलग है, अलग सा आंसर दिया, मतलब ऐसे ही है वैसे आंसर, तो समझ नहीं पा रहा मैं क्या बताऊँ तुमको इस बारे में। तो n तूने कम डाल दिए यहाँ पे, देख यहाँ पे n स्क्वायर होना चाहिए था, n क्यूब बाय थ्री प्लस n स्क्वायर प्लस 5 बाय थ्री n, इन दोनों लास्ट वाले टर्म्स में एक n की कमी है, n स्क्वायर प्लस 5 बाय थ्री n होना चाहिए था। ओके पहुंच ही गए हम भी,
सिग्मा आर स्क्वायर का मतलब एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन सॉरी डिवाइडेड बाय सिक्स करेक्ट ही ऑलमोस्ट आंसर बस ये एन एन प्लस वन एन प्लस टू नहीं होता है टू एन प्लस वन होता है ये देख मैंने लिखा है सिग्मा वन का मतलब यहीं पे थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया इसको सिक्स बनाने के लिए यहाँ पे सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया इसको सिक्स बनाने के लिए एन बाई सिक्स बाहर निकाल दिया अंदर एन प्लस वन टू एन प्लस वन का मल्टीप्लीकेशन लगेगा टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन बना यहाँ से भी भाई मैंने क्या निकाला n by 6 बाहर निकाला तो 3n plus 3 बना और यहाँ से भी मैंने 6n sorry n by 6 ही निकाला तो 6 बचा n by 6 2n square plus 6n plus 10 एक 2 common लूँगा करेक्ट तो ये बन जाएगा फर्स्ट में तो हमारा आंसर ये आना चाहिए तुम्हें यही कह रहा था अभी दूसरे देवांश देख तुम्हें यहाँ पे एन अगर टू अंदर मल्टीप्लाई भी करता तब भी ये बनेगा सब मतलब कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्स हो गया था मुझसे सर सर मेरा पेन खत्म हो गया मुझे 2 मिनट लगेंगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर से लाना होगा तो मैं जाऊं क्या क्या खत्म क्या खत्म हो गया पेन खत्म हो गया हाँ सर रिफिल लानी है हाँ ले ले वैसे मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ तुम तो आंसर ही दे दिए ले आना ठीक है हाँ जी फर्स्ट को हटा दे कोई नोट तो कर मतलब जिसका बच्चा तो जनरल टर्म नहीं दिखाई दे रही मैंने डिफरेंस निकाला GP बना डिफरेंस विद R मैंने कहा जी लिखिए इसकी जनरल टर्म A इनटू 2 की पावर K माइनस 1 प्लस BK प्लस C A B C निकालने K की वैल्यू 1 रखते हैं तो A प्लस B प्लस C बना व्हिच इज 1 K की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये बनेगा 2A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू 4 K की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये बनेगा 4A प्लस 3b plus c is equals to 10. इन दोनों से सेकंड से फर्स्ट को घटाया तो a plus b is equals to 3 बचता है. इन दोनों से अगर फिर से घटाऊं तो ये बचा मेरे पास 2a plus 6. इसको सॉल्व करता हूं तो a की वैल्यू आ गई 3. a की वैल्यू 3 आई तो b बना 0. A3 B0 तो C आया माइनस यानी कि मेरे पास जो जनरल टर्म आई वो आई कुछ A3 तो 3 इंटू 2 की पावर K माइनस 1 प्लस BK 0 हो चुका है प्लस सॉरी माइनस 2 मेरे को ऐसे चाहिए तो बोलेगा सिग्मा K की वैल्यू 1 से n तक यानी कि सिग्मा ऑफ 3 से बाहर निकाला
2 की पावर k माइनस 1 व्हिच इज अगेन अ जीपी माइनस सिग्मा की वैल्यू 1 से लेके n तक 2 इसका सम 3 इनटू 3 तो बाहर निकाल दो फर्स्ट टर्म 1 ही बनेगी हमेशा k की वैल्यू 1 रखेंगे तो और 0 बनेगा और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो 2 इसका कॉमन रेशियो 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 माइनस 2 ये आ गया 3 इंटू 2 की पावर एन माइनस 3 माइनस 2 क्या आंसर जी अभी बड़ी डन आगे पढ़े ओके ये नेक्स्ट वाली चीज निकालते फिर एकदम मतलब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस के अंदर ही जो हमारे पास लास्ट मेथड है ऋषिक आ गया क्या हाँ सर मैं आ गया सर एक चीज पूछनी थी उससे पहले सर थोड़ी रैंडम है सर मैथ्स के प्रैक्टिकल जो होता है जैसे हमारा स्कूल को बुला रहे हैं हमें तो उसमें तो बस जो फाइल है उसका ही होगा ना और वाइवा कुछ होता तो है नहीं ऐसे याद तो नहीं है देख मेरे को बिल्कुल भी मैथ्स के प्रैक्टिकल पर हाँ मैथ्स के प्रैक्टिकल में वही होता है वाइवा और तुझसे थोड़ी बहुत बेसिक डेफिनेशन पूछी जाएंगी जैसे कि एक एक नंबर के क्वेश्चन के भाई सर कुछ करना नहीं होता ना जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में करना होता है वाइवा वाइवा फाइव मेरे को याद नहीं है बिल्कुल भी और वाइवा फाइव जहाँ तक ओके सर मतलब वैसे कुछ नहीं करवाते हैं सर मैं कोविड में भी अभी स्कूल बुला रहे हैं कि प्रैक्टिकल के लिए हम अभी तो मुझे लग रहा है शायद फर्स्ट फेब से तो स्कूल ओपन ही हो रहे हैं जो सर है अभी कुछ ऐसा चाहिए नहीं है बट शायद है कह रहे हैं कि हो सकता है वो ओपन जस्ट अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो होती चीज हाँ सर तो मेरी सेकंड डोज भी अभी नेक्स्ट वीक लगेगी तो जब तक सेकंड डोज नहीं लगता तब तक तो जाना ही नहीं हाँ सर चलता रहेगा कोविड अब कोविड वैसे कोई ऐसी थ्रेट नहीं है सर कॉमन कोल्ड की तरह हो जाएगा बस वही होगा हाँ कॉमन फ्लू बोल ही दिया WHO का आगे स्टेटमेंट ये कॉमन फ्लू हो चुका है क्या उन्होंने भी बोला कि आगे से हम बताएंगे भी नहीं ओमिक्रॉन तो ठीक है बता दिए तुम्हें आगे से कोई वेरिएंट आएंगे तो ऐसे नहीं हम बता देंगे भाई कोविड आ गया तो बात ये हुई कि अगर आपको एपी और जीपी में डिफरेंस आ रहा है तो आप ऐसे निकाल लीजिए हमने आपको जनरल टर्म बताई थी पर अब ना हम उसमें और थोड़ा डीप डाइव कर रहे हैं मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट डिफरेंस ही एपी में आपका सेकंड डिफरेंस एपी में आ जाए मान लो या सेकंड डिफरेंस जीपी में आ जाए क्या सब तो फॉर्मूला याद करते रहे अक्षर कोड लिख सकते हैं
जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैंने इसका कोड लिखा था अभी लेटेस्ट, ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ पाइथन में, कि जो हम इसको ना किसी भी जनरलाइज कर सकते हैं किसी के लिए भी, ये मतलब कौन सा डिफरेंस एपी में आएगा। जैसे कि अभी तो देखो फर्स्ट डिफरेंस एपी में आया ना, मैं ही कह रहा हूँ, आपने एक क्वेश्चन किया आपने देखो फर्स्ट डिफरेंस हमारा, पहली बार हमने डिफरेंस निकाला टर्म्स का, वो आ गया एपी में। मान लो फर्स्ट डिफरेंस एपी में ना के जो दूसरा डिफरेंस है ये एपी में आ रहा होता, ये दूसरा डिफरेंस है ये जीपी में आ रहा होता, तो हम इसको तो हमारे पास इसके फॉर्मूले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, हम आपको दोनों फॉर्मूले भी बता देंगे डायरेक्ट। बट वही है कि अब आप इस चीज को ना एक और तरीके से सीखोगे, ज्यादा बेहतर मेथड ये है, फॉर्मूले तो सीख लो कोई दिक्कत नहीं है, पर उस केस में ज्यादा बेहतर मेथड ये है क्योंकि फॉर्मूले से भी अगर आप जाओगे तो टाइम कंज्यूमिंग तो हो गई, ऐसी बात नहीं। तो हम आपसे बता रहे हैं कि देखो जनरल टर्म ही निकालने का एक और तरीका भी है, जब आप जनरल टर्म ना निकाल पा रहे हो और आपने देख लिया कि हमारे पास जो टर्म्स का डिफरेंस है वो एपी या जीपी में आ रहा है या नहीं भी आ रहा, चल छोड़, तो मैं एक बार ये मेथड भी लगा के देखूंगा क्या कल, तो इसकी पूरी एल्गोरिथम लिख लो यार, डिनोट द एनेट टर्म बाय टीएन, कैन आई डिक्टेट, किसी को अगर हैंड रेज कर दे अगर किसी को भी कंफर्टेबल ना हो या वॉइस ब्रेक हो रही है तो। ओके, डिनोट द एनेट टर्म बाय टीएन, the nth term by tn and sum of the series up to n terms by sn and sum of the series up to n terms by sn. Second step, rewrite the given series with each term shifted by one place to the right. Third, by subtracting the latter series from the former, find Tn. From Tn, last step, find Sn by appropriate method. तो हम क्या कह रहे हैं, पहले तो एक थोड़े से बेसिक क्वेश्चन से समझो बात को। चल तुमने अभी ये लिखा था, तुम इस सीरीज का सम निकाल रहे थे, एक पुराने क्वेश्चन को उठा के मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूं, ये सीरीज का भी हमने सम निकाला था, तरीके तो वैसे हो गया जैसे जीपी का सम निकालते थे। हाँ, बस जीपी में मल्टीप्लाई करके लिखते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते, हाँ सब मतलब शिफ्ट करके जो हम करते थे सब, बस शिफ्ट करके कर रहे हैं। हाँ, पर यहाँ पे हम वो काम ना सम निकालने के लिए नहीं कर रहे, यहाँ पे हम वो काम टीएन निकालने के लिए कर रहे हैं। अब ये समझना कैसे, सबसे पहले तो आपको ये बोला गया कि आप इसकी कोई भी एनएथ टर्म को टीएन लिख दो और सम ऑफ एन टर्म्स को एसएन लिख दो, मतलब आप ऐसे कर दो, +7 +13 +21 +up to
है, कोई ये nth टर्म है इसकी, हम इसे नहीं निकाल पा रहे, तो आप इस सीरीज को ऐसे लिख लो, tn को लिख दीजिए, इसकी nth टर्म को डिनोट कर दीजिए। उसके बाद इसी सीरीज को आप फिर से एक टर्म शिफ्ट करते हुए लिखो, 3+7+13 चलते 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 इसके नीचे tn-1 इसके बाहर tn, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। आपने सब्ट्रैक्ट किया, इधर तो बना 0, इधर बचता है 3+4+6+8 चलते चलते मैं पहुंचा इस पर, -1 and -3। देख लो सिर्फ सीरीज को सब्ट्रैक्ट किया है और सिस्टमैटिकली लिख रहा हूं। अब इसके बाद थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे आके, बस फॉर्मूले में यही है कि वहां पे कुछ सोचना नहीं है, अपना जो करना है करते चले जाओ सीधा सीधा, सब चीजों के फॉर्मूले हैं वहां पे, यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने दिमाग से। क्या सोचना पड़ेगा कि यार ये tn-1 क्या है, इसे हम निकाल सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं, इस माइनस टी एन को तो पहली बात उधर शिफ्ट कर दो, इस माइनस टी एन को उधर कर दिया, क्योंकि यही है चीज जो मुझे निकालनी है, जिसके लिए मैंने पूरा काम कर, टीएन निकालने के लिए मैंने इस टर्म को एक शिफ्ट करते हुए सब्ट्रैक्ट कर, इस सीरीज को एक टर्म शिफ्ट करते हुए टीएन, मेरा यहाँ पे पर्पज है टीएन को कैलकुलेट करना, टीएन को फाइंड आउट करना। टीएन फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा यार, कुछ से सर एन माइनस फाइंड आउट, और सर एपी है, हाँ ये देखो ये एपी बन रहा है जो मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा है पूरा, 4, 6, 8 चलता जा रहा है। तो आपको पता है इस एपी की फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, आप बस ये जान लो कि ये टर्म कौन सी निकालनी है। इनकी भी टर्म जो आ रही होगी, जो tn का और tn-1 का डिफरेंस आ रहा होगा, वो एपी में ही आ रहा होगा, जो ये एपी बन रही है 4, 6, 8 वाली, इनका भी कुछ इसी सीरीज की समय टर्म आएगी, वो कोई ना कोई, कौन सी आएगी, n-1 टर्म आएगी। कैसे पता चला, यहां से देख लो, आपने फर्स्ट टर्म से डिफरेंस निकालना शुरू करा, n-1 टर्म तक डिफरेंस निकाला, यानी कि ये भी कोई n-1 टर्म बन रही होगी, किसकी, इस एपी की, ये जो लिखा हुआ है। कैसे लिखे, फर्स्ट टर्म आपको पता है 4 into सब ऑफ सीरीज लिख रहे हैं, तो ये वाली टर्म में लिख के दिखाता हूं, पहले तो आपको tn-1 आप अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं इसको, ये बनेगी a प्लस n-1 टर्म निकाल रहा हूं तो n-2, ये गड़बड़िया नहीं करनी है यहाँ पे, देखो इतना दिमाग से चलना है एकदम, n-1 टर्म निकाल रहे तो n-2 टाइम्स b होगा, a है 4, b है 2, तो हमने सॉल्व करना शुरू करा, ये बन गया tn-1 इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल होकर 2n ही आ जाएगा, या फिर आपको इसको निकालने की जरूरत भी नहीं थी, अगर कोई ध्यान से सोचे तो, क्यों निकालूं इसको, मुझे तो n-1 टर्म्स का सम ही तो निकालना है एपी का, डायरेक्ट सम क्यों नहीं निकाल ले रहा मैं, मुझे क्या जरूरत है इसके निकालने की, क्या जरूरी है कि मुझे सम पता होना चाहिए, मतलब सॉरी लास्ट टर्म पता होनी चाहिए सीरीज को सॉल्व करने के लिए। ये तो मैंने आपको ऐसे नॉलेज के लिए बताया, तभी अलग से भी बताया, पर ले जाके बताया कि भाई किसको मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, जरूरत नहीं है मुझे निकालने की, क्यों, मेरे को तो सम निकालना है एपी का, एपी की फर्स्ट टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है n-1, डी पता है 2, क्या जरूरत है लास्ट टर्म की, सब कुछ पता है, बट अगर इसको निकालना भी होता तो मैं ऐसे निकालता कि भाई देखो इसका ये एपी बन रही है, लास्ट टर्म कैसे निकलेगी, n-1 टर्म है, एपी है, a4 है, d2 है, तो इस तरीके से मैं इसको 2n निकाल लेता, मतलब अभी मुझे इससे फायदा भी हो गया, मैं डायरेक्टली 2n लिख भी सकता हूँ, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू एंड माइन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 भी लगा सकता हूँ, बट मैं अभी भी यहीं से इसी पे जाऊंगा। मैंने कहा जी हम बताइए कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 into 2a 2 into 4 प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 n-1 टर्म्स की तो n-2 into d, क्या बना जी, पहले तो आप अंदर से 2 कॉमन निकाल दो, इस 2 से काट दो, तो ये बना 3+n-1, अंदर क्या बचा 4+n-2, 4+n-2 इज n+2,
कौन सा फास्टर होता है इसमें और उसमें? फास्टर नहीं, पोटेंशियल किसमें ज्यादा है? इसमें फास्टर की तो कोई बात नहीं, फास्टर तो तेरी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा क्योंकि दोनों कैलकुलेशन वाली मेथड है, पर पोटेंशियल इसका ज्यादा इसलिए क्योंकि देखो इससे एक ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे जो उससे निकल पाते। सर इसमें एपी या जीपी ना भी हो तो वो वाला भी। तेरा पहला ही डिफरेंस एपी जीपी में ना बन रहा हो तो भी हम निकाल लेंगे इसको, इसकी ये है मतलब क्वालिटी। नहीं बन रहा होता तो कैसे करते? तो बताएंगे फिर से इस सीरीज को शिफ्ट करके लिखते, दो बार काम करना पड़ता है मुझे, अगला क्वेश्चन वही करेंगे और थोड़ा दिमाग से भी चलना पड़ेगा, गलतियां नहीं करनी है कि वहां पे हम गलतियां भी कर सकते हैं। और हाँ पोटेंशियल सर्टेनली इसका ज्यादा है, ये आपको एपी में हो जीपी में हो पहला डिफरेंस हो दूसरा हो दोनों ही केस में काम कर जाता है। उसके लिए हर बार फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी जगह लगेगा जब एपी का डिफरेंस सॉरी टर्म्स का डिफरेंस एपी में बन रहा हो या टर्म्स का डिफरेंस जीपी में बन रहा हो। आगे बढ़े, बस टीएन निकाल लेंगे अब हम इसकी जैसे निकाल लेंगे फिर से सिग्मा टीएन से सिग्मा टीआर से जो भी है। निकाला तो वही है हमने, बात तो वही है सारी, हम मेथड तो पढ़ा इसलिए नहीं रहे हम सम निकालने के लिए, मेथड पढ़ रहे जनरल टर्म निकालने के लिए। जनरल टर्म जो सम कैसे निकालने वो तो पहले ही समझ चुके हैं, सिग्मा लगा जनरल टर्म ही हमने आपको निकाल के दिखाई है। आगे बढ़े, यस निकाला जी डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस अब तो पढ़ लिया, अब तो बादशाह कर रहे हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व, बताओ क्या देखते हैं। हमने डिफरेंस निकाला, हमने देखा तो डिफरेंस ना एपी में आ रहा है ना जीपी में आ रहा है, यहाँ फेल हो गए। जब फिर से करेंगे तो आ जाएंगे, अब फिर से करेंगे जब दूसरा डिफरेंस निकालेंगे तब आएगा ये एपी में। इसका तो फॉर्मूला नहीं लिखा हमने, ठीक है नहीं? Yes. इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, टीएन वाले तरीके से लिखना चाहिए। अब ये टीएन से करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, बट पहले मैं आपको एक मिनट दूंगा, थोड़ा रियलाइज करो। देखो टीएन निकालने में परेशानी आएगी, यहाँ आसानी से नहीं होगा, बट गिव इट वन मिनट ऑफ योर लाइफ टाइम। देखो इसी तरह निकाल के एक बार सीरीज को टीएन को सॉल्व करो और बताओ मेरे से कि आप क्या टीएन निकाल पा रहे हैं यहाँ पे। और निकल तो सकता है बट मुश्किल होगा। कोई बात पता है मुश्किल, ट्राई करो। पर पहले तो बॉटम हाफ में दोनों में लगाएंगे ना तो उसका टीएन आ जाएगा। किसका किसका पिछले? सर 137321 का आ जाएगा टीएन। पहले इसका टीएन निकाल तब उसका टीएन निकलेगा, बस ये हो जाएगा इसमें।
लेकिन सर फिर उसके टीएन तक कैसे पहुंचेंगे? उसके टीएन तक भी पहुंचेंगे देख। अच्छा चल अब हेड स्टार्ट करता हूं मैं थोड़ी, एक सेकंड। tn plus 1 minus tn is equal to square t dash n. क्या बोल रहे सर? मैं कह रहा हूँ ऐसे निकालेंगे कि मतलब फर्स्ट वाली का tn plus 1 minus tn is equal to सेकंड वाली का tn। बिल्कुल जी निकालें। सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया, कुछ ऐसा बन रहा होगा। मैंने इसी एस एन को दोबारा एक शिफ्ट करते हुए फिर से लिख घटाया, ये बनता है जीरो is equals to 1 plus 3 plus 7 plus 13 plus 21। तो चलते हैं यहाँ पे कुछ बनेगा tn minus 1 minus tn minus 2। इम्पोर्टेंट बात क्या है वो समझनी है अभी आपको। Ifra, I think you have entered wrong class. Please ask for the right. Tn में से minus किया, tn minus 1, minus tn. Important बात यह है कि आप इसको अब आपको ना तो ये पता ना ही पता, आप tn को उधर ले गए पहली चीज तो। भाई आप ये जो है ना, ये आया डिफरेंस, ये आया डिफरेंस, इसको भी आपने एक जनरल टर्म मान लिया। इस tn माइनस वन माइनस tn माइनस टू को इस सीरीज की कौन सी टर्म बनी है? जो भी सीरीज आपके सामने लिखी हुई है, मैं इस टर्म को स्मॉल t से डिनोट करना चाहता हूं। बट कैन यू गाइस टेल मी कि ये टर्म कौन सी होगी? मैं इसको पूरा कुछ जो भी से रिप्रेजेंट करो बता दो जरा, कौन से टर्म बननी चाहिए? टी एन माइनस थ्री। अच्छा देख, टी एन माइनस थ्री नहीं, तेरा गलत जवाब भी होना चाहिए था tn माइनस टू। भाई वन से शुरू हुई है, देख नीचे वाली सीरीज थोड़ा गलत। नहीं वो भी गलत ही है, बट गलत जवाब हमारा ये होना चाहिए क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि ये tn माइनस टू टर्म होनी चाहिए क्योंकि फर्न वन से शुरू हुए हम n माइनस टू टर्म तक गए, तो वन वाली फर्स्ट टर्म ले ली, बट ये वन भी तो है पहले वाला, तो ये एक्चुअली n माइनस वन एच टर्म है इस पूरे सीरीज की, तो इसमें भी तो एनी टर्म्स है प्लस tn। तो समझा नहीं मैं। मैं ये कह रहा हूँ देखो, वन से लेके n तक सारी टर्म्स आएंगी ना इसमें, ऊपर वाली सीरीज की वन से लेके और tn तक लास्ट टर्म सारी आ रही है ना नीचे, सारी यूज हो रही है ना। यस सर। वन भी आ गया और tn में से भी tn माइनस वन घटा दिया, तो टोटल कितनी टर्म्स हुई? n माइनस वन टर्म्स। क्यों n? अच्छा n टर्म्स ही तो ही, हाँ ठीक है सर। ऊपर के हिसाब से देखेंगे तो n ही, नीचे वाले के हिसाब से देखेंगे तो n माइनस वन ही, ये समझ मेन बात। बट हमें नीचे के हिसाब से नहीं देखना, मैं ऊपर के हिसाब से देखना है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली जितनी टर्म्स है वो तो सारी की सारी नीचे लिखी गई है ना, नीचे वाली में एक थी भी तो नहीं ना एक प्लेस पे, इसलिए वो n माइनस वन दे रहा है। ऊपर वन से पहली वन आ गई फर्स्ट टर्म, फिर ये सेकंड आ गई, ये थर्ड आ गई, चलते चलते इस पे पहुंचे nth आ गई, ये तो nth। Yes, अब इसका हमने फिर से ये काम करा,
क्या फिर से शिफ्ट करके लिख दी एक बार, ये बन गया जी हमारे पास 1 + 1 + 3 + 7 + 13 + 21 चलते 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 यहाँ पे आया टी एन माइनस वन प्लस के टी एन, यहां से हमने स्मॉल टी एन निकाला। सर मैं कह रहा हूँ जो हम ये ले रहे हैं टी ए, इसको वापस करेंगे तो फिर टी एन कैंसिल नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, तो करना ही है कैंसिल, क्योंकि स्मॉल टी एन निकालूंगा तभी तो कैपिटल टी एन निकाल पाऊंगा। स्मॉल टी एन निकाल लिया तो फिर तो सिग्मा लगा के कैपिटल टी एन निकाल ही लूंगा ना, और फिर कैपिटल टी एन पर सिग्मा लगा के एस एन निकाल लूंगा। स्मॉल टी एन कैपिटल टी एन, कैपिटल टी एन इज राइट राइट नाउ कैपिटल टी एन इज स्मॉल एस एन, स्मॉल एस एन इज कैपिटल टी एन। हाँ समझ गया मेरी बात में क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ स्मॉल टी एन कैपिटल, वो सॉरी कैपिटल टी एन स्मॉल एस एन तो नहीं मैं समझा क्या बोल रहे थे, बट तू मेरी बात समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर, मतलब स्मॉल टी एन का एस एन निकालेंगे तो समेशन तो कैपिटल टी एन आएगा, और फिर कैपिटल टी एन का समेशन निकालेंगे तो एस एन आएगा। हाँ ठीक है सर, समझ गया, वही कह रहा था मैं। ठीक है, ये हमने माइनस करा, ये आया हमारे पास 1 + 0 + 2 + 4 + 6 देख बन गया, यहाँ पे क्या आया था बता दे इसको, कुछ या कुछ टी एन माइनस वन, और ये टी एन इधर पहुंच जाएगा माइनस का टी एन बन के, तो दो बार हमें समेशन लगाना, दो बार हमें सेम काम करना पड़ा जो हमने मेथड सीखा, हमें दो बार वर्कआउट करनी पड़ी वही चीज, और इसलिए करनी पड़ी क्योंकि डबल डिफरेंस एपी में था, सेकंड टाइम डिफरेंसेस ऑफ द डिफरेंसेस एपी में था जी। मैं ऊपर की फोर लाइन से हटा दूंगी जहां से एस एन लिखा हुआ है, वो नहीं हटा रहा, अगर किसी ने नहीं लिखा तो प्लीज रेज योर हैंड। तो ये जो हमारा स्मॉल टी एन आया इसको इधर ले लिया, और अब 1 + ये n माइनस वन टर्म्स ही है देख दोस्त, क्योंकि वन देख मैंने बाहर भी तो निकाल के रख दिया, इसके वन कैसे लिखें जी, n माइनस वन टर्म्स का सम लिखना है भाई, n माइनस वन अपॉन टू टू ए यानी के जीरो प्लस n माइनस टू इंटू डी यानी के टू, जीरो तो खत्म, टू से टू कैंसिल, n माइनस वन n माइनस टू बचता है, n माइनस वन n माइनस टू का प्रोडक्ट n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 यानी कि n स्क्वायर माइनस 3n प्लस के 3, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस के 3, ये तो आया तेरा स्मॉल टी एन। अब तेरे को कैपिटल टी एन चाहिए तो लगा सिग्मा स्मॉल टी एन, n की वैल्यू 1 से लेके n तक, उसके बाद लगा देंगे जी इस पे सिग्मा, ये बनेगा सिग्मा n स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स सिग्मा n प्लस सिग्मा 3, एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 एन, कितना आया कैपिटल टी एन सॉल्व करने के बाद कुछ आ गए, ये आ रहा है n by 3 n square minus 3 n plus 5, तो भी आया था मुझे n cube by 3 minus n square plus 5 n by 3, ये हमारी टी एन आ गई, ये हमारी टी एन आ गई। फिर से हमने एस एन लगाने के लिए फिर सिग्मा कैपिटल टी एन लगाया, n की वैल्यू 1 से लेके तो हमारा फाइनल आंसर आएगा
जो कि कुछ आएगा ही है। मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट करूँ इसको। बट इस तरीके से मैं मेथड लगाना होगा। आप कुछ डाउट पूछ सकते हैं। सर आपने सिंप्लीफाई करके लिखा है ना, जो राइट में सबसे लिखा है। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया जो क्वेश्चन के बाद। आगे बढ़े जी, कोई बचा तो नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट। इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, ये हमारा आखिरी तरीका होगा सीरीज सॉल्व करने का, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है यार ये। कुछ लोग इसको वीएन मेथड बोलते हैं, मैं इसको डिफरेंस सीरीज बोलता हूँ, और कुछ लोग इसको मेथड ऑफ कैंसिलेशन भी बोलते हैं। और एक दो नाम और तुम्हें मिल जाए तो वो भी मुझे बता देना, मैं अगली बार से सबको ये भी बता दूंगा कि भाई ये भी बोलते हैं इसको। सबका अपना अपना नाम रहता है, तो मैं को नहीं पता, आप जैसे इसको याद करना चाहते हो वैसे कर लो, बट ये इम्पोर्टेंट बहुत है ये मेथड। मतलब इम्पोर्टेंट तो ये इतना है कि इस पर 3-4 क्वेश्चन तो आ ही चुके हैं जेई में, और मतलब आप इस पर बहुत ही फ्रीक्वेंटली आप इस पर क्वेश्चन देखोगे, और सिर्फ इसी में ही नहीं। मतलब आपने शायद एक दो इसका क्वेश्चन कभी पहले सॉल्व करा भी हो, मे बी, पता नहीं मुझे। ये हमारा लास्ट मेथड होगा सीरीज को सॉल्व करने का, लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज की बात कर रहे होंगे। वैसे तो सीरीज अभी एनसीआर की भी बनेगी, ओके, वीएन मेथड। नहीं नहीं सर कुछ सीरीज आएंगी अभी आगे भी, दो तीन चैप्टर तो वीएन मेथड डिफरेंस सीरीज मेथड ऑफ कैंसिलेशन कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। दो तरीके के केसेस में ही लगता है। एक तो जब ऐसी सीरीज बन रही हो, देखना जरा A1 A2 A3 अप टू AR तक टर्म्स है, ये पहली टर्म है, इसमें कुछ चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, A1 into A2 into A3 into up to AR। और सीरीज की लास्ट टर्म होगी कुछ या तो सीरीज आपकी इस तरीके की हो, या फिर यही चीज डिनोमिनेटर में,
ये जो सारे टर्म्स आपके मल्टीप्लाई हो गए हैं सब एक ही। मैं आपको ये सब वैसे नहीं सिखा रहा, मतलब के इसकी थ्योरी और नहीं लिखवा रहा, मैं देख रहा हूँ अभी काफी चीजें लिखी है। मैं तो ये बात करूंगा ऑब्जेक्टिवली कि कैसे इसे समझना है और कैसी दोनों तरीके की सीरीज कैसी दिख रही होगी। दो क्वेश्चन कराऊंगा पहले मैं आपको खुद से, और फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा उसमें कि हम और क्या कर सकते थे, मतलब क्या क्या कर सकते थे कि अगर क्वेश्चन को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। तो मैं वो बात समझनी है मेन बात। तो दोनों ही पैटर्न पे एक एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये आप ऐसे समझो, मैंने अभी आपसे कहा था सीरीज में दो प्रॉब्लम है, एक या तो हमसे जनरल टर्म ही ना निकले ना, जनरल टर्म ही ना निकले तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जनरल टर्म निकालने के लिए हमने आपको पहला मेथड ऑफ डिफरेंस सिखाया। अब आपने मान लो जनरल टर्म तो निकाल ली, आपकी सिग्मा लगाया लैग हो गई अभी, ठीक है? Yes, sir. Okay. तो मैं भी आपसे ये कह रहा था कि देखो हमने दो प्रॉब्लम डिस्कस करी थी इन द स्टार्टिंग व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट सीरीज एंड व्हेन वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग सीरीज। सो वी हैव मेजरली आस्क्ड, वी मेजरली डिस्कस्ड अबाउट टू प्रॉब्लम्स। दैट वन ऑफ देम इज दैट वी आर समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू फाइंड द जनरल टर्म, एंड सेकंड इज समटाइम्स इवन आफ्टर finding out the general term we are not able to apply sigma on that general term. pehle problem ke liye to humne padha method of difference, if you are not able to find out the general term you can use method of difference to find out that. but dusri problem ke even if you find out the general term aap sigma hi nahi solve kar pa rahe, main abhi dikhata hu dekho abhi aapko. to ye hai us dusri problem ke liye ki jab humse sigma nahi solve ho raha hoga aur is tarike ki series ban rahi hogi dono, tab hum kya kar rahe honge? मतलब इससे नहीं है सॉरी, पर मतलब सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है वो जीपी का, पर वो जीपी में मैंने कराया नहीं यार, मैं भूल गया तुम्हारी क्लास में। हाँ वो जीपी बनती, मैं भी कराता हूँ उसको भी क्वेश्चन, सही करा तो मुझे याद दिला दी, बहुत ही अच्छा करा, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ सर वो आता है मुझे, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था कौन से उसमें है वो, मतलब टॉपिक जीपी 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 का ही क्वेश्चन जीपी का ही। तो ले लीजिए, दो तरीके के मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, एक वन टू थ्री प्लस टू थ्री फोर प्लस थ्री फोर फाइव, ये सब प्रोडक्ट में भाई, और हमें एंड एंड टर्म्स तक सीरीज का सम निकालना। वन टू थ्री, टू थ्री फोर, थ्री फोर फाइव, चलते चलते लास्ट में हमारे पास कुछ बनेगा। क्या आप मुझे एनेट टर्म बताएंगे इसकी?
ये मल्टीप्लीकेशन में सब चीजें, एन ए टर्म बताएंगे, एनथ एन एन प्लस एन इंटू एन प्लस वन प्लस इंटू एन प्लस टू, वन टू थ्री, टू थ्री फोर, थ्री फोर फाइव, थर्ड टर्म थ्री से स्टार्ट हो रही है और उससे नेक्स्ट दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, एन एन टर्म एन से स्टार्ट हो रही होगी, नेक्स्ट होगी एन प्लस वन, नेक्स्ट होगी एन प्लस टू। तो वैसे देखो तुमने जनरल टर्म निकाल और तुम चाहो तो सिग्मा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने जनरल टर्म निकाल ली, आप इनको मल्टीप्लाई करो, सिग्मा लगाओगे, आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर बहुत बार आप इसमें ऑर्बिट ट्वीक्स कर देंगे, कुछ कुछ चीजें ट्वीक कर देंगे आप ना, तो तब ऐसा नहीं होगा एकदम से सब निकल जाएगा, तो इसीलिए मेथड जानना जरूरी है। वैसे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए, पहली बात तो जब वन अपॉन में सीरीज होती है, क्योंकि तब सिग्मा काम ही नहीं करेगा, आपको पता ही नहीं सिग्मा वन अपॉन में कैसे लगाना है, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट तो होता नहीं आपको, आपको सिग्मा एन पता है, एन इन टू एन प्लस वन बाई टू होता है, सिग्मा आर बोल दो या सिग्मा एन, पर आपको सिग्मा वन अपॉन आर नहीं पता है, याद भी करो ये तो एचपी के ही सम हो गया, थोड़े याद है ये नहीं पता ना भाई। ओके तो इसको एक मेथड से तो हम ऑलरेडी करना सीख ही चुके हैं, पर चलो हम आपको इसके लिए दूसरा मेथड भी बताते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन है, यही सीरीज बिल्कुल, बस नीचे बना रहा हूं, चलते चलते इसकी भी एनथ टर्म ये पहुंचे, चलिए जी समझिएगा जरा फटाफट आओ, हमारे पास 15 मिनट्स ही हैं, क्योंकि हमारी दूसरी क्लास भी होगी, चाहते होते हैं मॉडर्न हटा सकता हूं। हां जी, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर जी। सबसे पहले पहले वाली सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसी सीरीज बनेगी जिसमें हमारी टर्म्स एपी में है और प्रोडक्ट में आ रही है, तो पैटर्न सेम चलता जा रहा है, तो हमें क्या करना है, देखो इसे मैं डिफरेंस सीरीज भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ना हमेशा सबसे बड़ी टर्म और सबसे छोटी टर्म का डिफरेंस सेम होगा, हर टर्म के अंदर तीन तीन चीजें आ रही है, जो भी नंबर्स आ रहे हैं हर टर्म के अंदर मल्टीप्लीकेशन में, उसमें सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस हमेशा सेम होगा, जैसे यहाँ पे तीन और एक दो, चार दो दो, एन प्लस टू एन टू, हर जगह ये डिफरेंस सेम होगा। हो सकता है यहाँ पे पांच भी टर्म्स आ रही होती, जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट, अब मैंने कहा रहा हूँ जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट हो गई, हाँ वैसे तो वो एपी बोला है हमने वहां पे तो, पर अगर वो एपी ना भी होता ना, और अगर ये काम कर रहा होता जो मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी टर्म का डिफरेंस और सबसे छोटी टर्म का डिफरेंस, तो भी कर लेंगे सॉल्व, ठीक है? यस सर, ओके। सबसे बड़ी टर्म और सबसे छोटे टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। जब न्यूमरेटर में बन रही होगी ये सीरीज, तो हमें क्या करना है, हमें हर टर्म में, मतलब हमें सॉरी, हमें पूरी सीरीज को एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और वो नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो नंबर फाइंड आउट ऐसे करेंगे कि कोई भी एक टर्म पकड़ो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उससे एक आगे वाला नंबर लो, जैसे कि कोई भी ले लो, जो भी आपको लेना है, चलो मैं दूसरा ले रहा हूँ, दूसरी टर्म ले ले रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा नंबर है 4, 4 से अगली टर्म 5, और जो सबसे छोटा है उससे एक पिछली टर्म 1, कोई भी टर्म पकड़ो जो उसमें सबसे बड़ा नंबर है उससे एक आगे वाला नंबर उठाओ, और जो सबसे छोटा नंबर है उससे एक पीछे वाला नंबर उठाओ, दोनों का डिफरेंस निकालो,
फाइव माइनस वन फोर आ रहा है, देखो इसमें भी वो सेम ही आएगा फोर और इससे पीछे जीरो फोर आएगा डिफरेंस। आप पहले टर्म में भी देख लो ये डिफरेंस सेम ही आएगा, एन प्लस टू है सबसे बड़ा नंबर, एन प्लस टू से आगे वाला नंबर है एन प्लस थ्री और एन से पीछे वाला नंबर है एन माइनस वन, एन प्लस थ्री में से एन माइनस वन घटाऊंगा फोर ही आएगा। ये जो डिफरेंस आ रहा है इससे ही आप इस सीरीज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सर हमें हर बार ऐसे करके देखना पड़ेगा कि एक तो कर ले किसी का भी, बस एक डिफरेंस निकालना तेरे को ये कि किसी भी टर्म में जो सबसे बड़ा नंबर है उससे आगे वाला और जो सबसे छोटा नंबर है उससे पीछे वाले का क्या डिफरेंस आ रहा है, या ऐसे देख ले, चल ऐसे भी नहीं देखना तो कि जो बड़ा नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है उनका डिफरेंस देख प्लस टू कर दे, हर बार ये कर दे प्लस टू कर दे, कैसे भी कर ले कैसे भी देख ले ये तेरी चॉइस है। ऐसे भी हो सकता था पांच नंबर होते तो पांच होते तो वन टू थ्री फोर फाइव, मैं फाइव से आगे छह और वन से पहले जीरो, छह में से जीरो छह डिफरेंस आता तो सिक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करता। अब ये जो ऊपर वाला फोर है इसको मैं अंदर लेके गया और ध्यान से देखना जरा मैंने इस फोर को कैसे लिखा है, ऊपर वाले फोर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे भी फोर मल्टीप्लाई होगा, हर टर्म के साथ जाके फोर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताते रहो मेरी बात को जरा, हाँ ना जवाब देते रहो, ये सीरीज समझनी जरूरी है, ये बहुत काफी देर काम काफी टाइम काम आएगी। तो ये फोर हर टर्म में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा अभी, क्यों ऊपर वाला फोर को मैं अंदर लेके गया हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ राइट, जब मल्टीप्लाई हुआ तो पहले वाले टर्म के साथ मैंने इस फोर को कैसे लिखा, जो यहाँ पे इससे अगली और इससे पिछली टर्म का डिफरेंस बन रहा है फोर माइनस जीरो, अगले वाले टर्म के साथ भी मैंने फोर को मल्टीप्लाई करा पर उसको मैंने लिखा, बता सकता है कोई कैसे, फाइव माइनस वन। और यही सेम काम मैंने लास्ट के साथ भी करा, क्या लिखू एन प्लस थ्री माइनस एन माइनस वन, वो भी तो डिफरेंस फोर ही है। मैंने इस चीज का फायदा उठाया कि हर जगह डिफरेंस सेम है ना, तो इससे मैंने देखना जरा बना लिया ऐसे, और अब मैंने इस सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये बना वन टू थ्री फोर माइनस जीरो वन टू थ्री, अगला बना ओ सॉरी टू थ्री फोर ए, अगला बना जी टू थ्री फोर फाइव माइनस वन टू थ्री फोर, अगला बना जी चलते चलते ऐसे ही लास्ट वाला बना एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री माइनस एन माइनस वन एन एन प्लस वन एन प्लस टू, समझ रही बात थी। दिव्यांशु रोशन सर नहीं आया मेरे को सेकंड वाला स्टेप समझ, सेकंड वाले स्टेप में हमने क्या करा, उसके नीचे वाला उसके नीचे वाले सर हां और तो फिर उसके नीचे तो फिर हमने बस अंदर 1 2 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 1 2 3 4 बना और 1 2 3 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 into 1 into 2 into 3 बना, ऐसे ही 3 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ओपन कर दिया पूरा एक एक मतलब दोनों को अलग अलग ओपन करा ना, बिल्कुल यस सर। और सर तो लास्ट वाला टर्म का सबसे ज्यादा उसका जो हमारा एन एन प्लस वन एन प्लस टू और वो वाला बचा वो बचेगा सिर्फ और जीरो वन टू थ्री, तो बाकी डिफरेंस इसलिए बोल रहे थे कि इनका जो डिफरेंस में मैंने इसे कन्वर्ट करे ना जो डिफरेंसेस में, जैसे ये पहला डिफरेंस था ये दूसरा डिफरेंस था ये ऐसे डिफरेंसेस ही आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस सर। सर पहले वाले का लेकिन नेगेटिव वाला और लास्ट वाले का पॉजिटिव वाला बचेंगे ना, अब ये देख लेते हैं कैसे बचेंगे, ये भी हम पहले हमें तो सुन जो हम क्या बता रहे थे इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं, सब में पैटर्न है, नेगेटिव वाली टर्म जीरो से शुरू हुई थ्री पे एंड हुई फिर वन से फोर तक फिर टू से फाइव तक ऐसी चलते 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 एन प्लस एन माइनस वन से लेके एन प्लस टू तक गई, तो फर्स्ट टर्म देख बस इनमें सब में क्या है, फर्स्ट टर्म जीरो से शुरू हुई फिर अगली वन फिर टू लास्ट वाली एन माइनस वन, पॉजिटिव वाली टर्म सारी को एक साथ देख, नेगेटिव वाली टर्म सारी को एक साथ देख, पॉजिटिव वाली टर्म्स वन से स्टार्ट हुई वन टू थ्री फोर टू थ्री फोर फाइव चलते चलते एन पे पहुंची एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री, नेगेटिव वाली टर्म जीरो से स्टार्ट हुई
देखो ध्यान दो अभी मेरी बात पे, जीरो से पॉजिटिव वाली तो नहीं स्टार्ट हुई, वो तो वन से हुई ना, तो नेगेटिव के पास ये जीरो वाली टर्म एक्स्ट्रा है, अगली टर्म नेगेटिव वाली ये वन टू थ्री फोर बन रही होगी, जो कि जहां से ये सीरीज शुरू हुई है पॉजिटिव वाली, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। देखो इसके बाद अगली टर्म पॉजिटिव टू थ्री फोर फाइव थी, सर वो जो एन प्लस थ्री माइनस एन प्लस एन प्लस थ्री नहीं, वो एन माइनस वन अब इम्पोर्टेंट ये देखना है कि नेगेटिव वाली सीरीज कहां से शुरू हुई और कहां पे खत्म हो रही है, पॉजिटिव वाली सीरीज कहां से शुरू हुई और कहां पे खत्म हो रही है। पॉजिटिव वाली सीरीज शुरू हुई है वन से, देखो टर्म्स तो दोनों की एक जैसी है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस पॉजिटिव वाली शुरू वन से हुई है, खत्म एन पे हुई है, और नेगेटिव वाली शुरू जीरो से हुई है, ओ हो ये एक्स्ट्रा है, और खत्म एन माइनस वन पे हुई है, तो पॉजिटिव के पास एन वाली टर्म एक्स्ट्रा है, और सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये होगी कैंसिल, ये इससे अगले से हो जाएगी जो यहाँ पे आएगी, ऐसी ये अपने से पिछले से हो जाएगी, बस आपको ये देखना। हाँ बिल्कुल सही कह रहा था मैं, ये तुझे वैसे बता रहा हूँ कि तेरे को आगे दिखने में परेशानी भी आएगी, ये बहुत बार दो दो टर्म्स भी बच रही होंगी दोनों तरफ से, तुझे ये देखना कहाँ से पॉजिटिव वाली शुरू हुई कहाँ पे खत्म हुई, कहाँ से नेगेटिव वाली शुरू हुई कहाँ पे खत्म हुई, दोनों के पास एंड में और शुरुआत में कुछ कुछ एक्स्ट्रा बच रही होंगी। सर मैं कह रहा था जैसे यहाँ जीरो एक्स्ट्रा, अगर जीरो और वन एक्स्ट्रा होते तो दिक्कत होती, जैसे वही कह रहा ना, और जीरो हाँ, फिर हमें वो भी देखना पड़ेगा कि हमें ये सोचना है बस कि कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म हो रही है, कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म हो रही है, क्योंकि बीच वाली टर्म्स तो कैंसिल होनी होनी है, पर्पस ये है, हमारा पर्पस ये था भाई इस सीरीज को पढ़ने का कि हम ये टर्म्स को कैंसिल करना चाहते थे। सम आ गया हमारे पास, आंसर भी आ गया, पहले वाली टर्म तो जीरो ही है, जीरो से मल्टीप्लीकेशन होगा उसका, तो इसमें बीच की सारी टर्म्स कैंसिल हो रही होंगी, यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व कि कौन सी टर्म्स नेगेटिव वाली एक्स्ट्रा है कौन सी टर्म्स पॉजिटिव वाली एक्स्ट्रा है, और आपके पास देखो इसका सम निकल गया। आप सिग्मा लगाते हैं सिंप्लीफाई करने में इससे ज्यादा टाइम लगता, आप सिग्मा भी लगा सकते थे नो डाउट, आपने टीएन निकाल लिया, ये रहा टीएन, आप इसको मल्टीप्लाई करो इसका सिग्मा निकालो, फिर से बोल क्या बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में तो आराम से हम जल्दी निकाल लेते सिग्मा से, मतलब बाकी में दिक्कत होती है। हाँ तो निकाल भी सकते थे, पर वो ये कि मतलब फिर भी सिग्मा में भी तो सिंप्लीफाई करना पड़ता है ना बहुत बड़ा, कि भाई पहले एन क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, फिर पहले तो इसे मल्टीप्लाई कर दे n n plus 1 n plus 2 को, फिर उसके बाद उस पे सिग्मा लगाया, और फिर उसके बाद सिग्मा लगाने के बाद उसे सिंप्लीफाई करा, तो बहुत टाइम लग जाता है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं पर इससे तो ज्यादा ही लगेगा जितना भी हमने करा था। अभी ये अगर हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम इसे फटाफट लिखते चले जाएंगे, बस हमें ये देखना है कि कैसे, तो एक बार ये समझना है कैसे डिफरेंस में कन्वर्ट करें, क्योंकि डिफरेंस में कन्वर्ट करे बिना टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी, और जैसे ही डिफरेंस में कन्वर्ट करा ये चेक करना है कि पॉजिटिव वाली में कौन कौन सी चीजें एक्स्ट्रा है, नेगेटिव वाली में कौन कौन सी चीजें एक्स्ट्रा है। सर तो हम कोई भी, आपका कोई भी डाउट तो पूछ सकते हो, सर मैं कह रहा हूँ कोई भी शुरू के तीन या चार सेट उठा के हम समझ सकते हैं ना पैटर्न। हाँ जी सेकंड करें, अब उसका समझ लो उसे डिफरेंस सीरीज में कन्वर्ट कैसे करना है, इसको डिफरेंस सीरीज में कन्वर्ट करने का करना ऐसे है, किसी भी टर्म को उठाओ जो बड़ा नंबर हो उससे आगे वाला नंबर, जो सबसे छोटा नंबर हो उससे सबसे उससे पीछे वाला नंबर, दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और फिर डिफरेंस को लिखना ऐसे है जैसे अभी हमने लिख के दिखाया। सर ये हर बार यही आएगा एन एन प्लस वन एन प्लस टू, नहीं कुछ और भी कर सकती है, अब तू ये सॉल्व करियो, ले तेरे लिए होमवर्क है, इसी भी होमवर्क है, इसको सॉल्व करना है।
थोड़ा ही दे रहा हूँ वैसे तो, एक ये सॉल्व करियो और एक ये भी करियो, जब चार चार का प्रोडक्ट ले लेंगे, दो वाला और चार वाला दोनों करना है, एंड टर्म्स तक का ही सब निकालना है, अभी नहीं करना बाद में करना है, अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है, जल्दी आ जाओ, 7 मिनट लेट हो गए, सेकंड करें शुरू। यस सर। ओके और सेकंड वाले में अब डिफरेंस सीरीज का पॉइंट समझ लो, कि वहां पे कैसे ये डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, उसमें यार आपने नॉर्मल तीन तीन का लिया था, मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, ये तीन तीन का ही दिया था, ठीक है। अब पहली चीज तो देखिए यार, इसमें सिग्मा से तो कुछ कर भी नहीं सकते, पिछले वाले में कम से कम सिग्मा से क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते थे, इसमें तो नहीं कर पाएंगे सिग्मा से सॉल्व एक बार। अब दूसरी बात पे चलते हैं, सिग्मा सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हमें इसे डिफरेंस सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमने देखा कि नीचे टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है और सारी टर्म्स एपी में है। ओके जी, डिफरेंस सीरीज में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए डिफरेंस सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है किसी नंबर से, वो नंबर कैसे मिलेगा, इस बार वो नंबर मिलेगा जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है उनके डिफरेंस से, बस। इस बार तो पहली पिछले बारे में तो 3 से आगे वाला और 1 से पीछे वाला लिया था, इस बार 3 और 1 ही ले रहे हैं, जो सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस है उसी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मैं क्या बनेगा, बनेगा 2, वो डिफरेंस आया 2, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लीकेशन वाले 2 को वही काम कर रहा हूं, प्रोसेस वही है, देखो हर जगह डिफरेंस 2 ही आ रहा है, अब हो गया काम, अब अलग अलग कर दो डिनोमिनेटर, यहां पे आएगा 3/1 × 2 × 3, 3 से 3 कट जाएगा बचेगा 1/1 × 2, माइनस अगले वाले में 1 से 1 कट जाएगा बचेगा 2 × 3, अगले वाले में 1/2 × 3, नेक्स्ट में 1/3 × 4, चलते चलते पहुंचे 1/(n+1) − 1/(n+1) × (n+2), ऑब्जर्व करिए नेगेटिव वाली सीरीज कहां से शुरू हुई, पॉजिटिव वाली कहां से शुरू हुई, पॉजिटिव वाली 1 से शुरू हुई, ओके जी, कहां तक गई, n तक गई, ओके 1 से n तक गई है, नेगेटिव वाली 2 से शुरू हुई, कहां तक गई, n+1 तक गई, तो मैं पॉजिटिव के पास कौन बता दे, बताएगा कौन कौन क्या उनसे टर्म्स एक्स्ट्रा है सर, फर्स्ट वाले का पॉजिटिव वाला और लास्ट वाले का नेगेटिव वाला, बिल्कुल पॉजिटिव की फर्स्ट टर्म एक्स्ट्रा क्योंकि 1 से शुरू हो रही है, नेगेटिव वाली 2 से शुरू हो रही है, उसके पास है ही नहीं काटने के लिए 1 वाली, वो एक आगे से शुरू हुई है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, बल्कि ये कैंसिल हो जाएंगी सब, और ये भी अपने से पिछले वाले से कैंसिल हो जाएगी, बट नेगेटिव वाली n प्लस 1 तक गई है, पॉजिटिव वाले के पास है ही नहीं n+1 वाली टर्म, n+1 n+2 वाली टर्म, वो काट ही नहीं पाएगा इसको, यहां से ये पूछे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा वो आपका आंसर। तो ऐसे हम डिफरेंसेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी सीरीज को, और हम बोल देते हैं इसको डिफरेंस सीरीज, वीएन मेथड, जो भी मेथड ऑफ कैंसिलेशन, आसान हो जाता है काफी क्वेश्चन। मैं इस पर आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा अपनी तरफ से, तो 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दें, और मे बी मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊँ उसके जब भी हम अगली क्लास ले रहे होंगे, क्योंकि संडे तो होगी, लेट्स सी कर पाते हैं आपकी नहीं, और सीरीज की मैं एक एक्सरसाइज भेजूंगा आपको। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, अब आपका पूरा सीक्वेंस सीरीज खत्म हो चुका है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।